दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के शास्त्री पुल पर, और इधर आपको दिखाई दे रहा है दारागंज का जो रेलवे ब्रिज है, और ये नया निर्माणाधीन जो ब्रिज है वो है, उसका काम स्थगित कर दिया गया है बाढ़ की वजह से। तो आप यहाँ के जो ये गंगा का पानी है वो देखेंगे तो उसमें काफ़ी स्थिरता है, पानी में कोई प्रवाह और बहाव नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि अभी हमने आपको जो यमुना का पानी दिखाया है तो उसमें जो पानी है वो काफ़ी उछाल लेकर के और लहरें ऊंची-ऊंची उठ रही हैं और काफ़ी तेज़ वहाँ का प्रवाह है। तो ये जो गंगा का पानी है, गंगा का जो बाढ़ है, तो यमुना के कारण है। यमुना जो है इतना तेज़ प्रवाह है कि इधर का पानी जो है आगे बढ़ ही नहीं पाता और इधर रुका हुआ है। तो मेन जो बाढ़ है वो यमुना के कारण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, राजस्थान में बारिश हुई है, तो उसका पानी यमुना से जो है होकर के यहाँ तक आ रहा है। दोस्तों ये नज़ारा है प्रयागराज के झूसी तरफ का, और ये झूसी और प्रयागराज को जोड़ने वाला शास्त्री पुल, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। और लगभग 2200 मीटर लंबा यह पुल, किलोमीटर में कहें तो 2 किलोमीटर और 200 मीटर लंबा पुल इसकी जो लंबाई है, इतना ही चौड़ा लगभग गंगा का पार्ट है और पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। ये देख पा रहे हैं जो किनारे घर हैं, आश्रम बने हुए हैं, वो सारे डूब चुके हैं। और यह संगम का जो विशाल क्षेत्र है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो कि पूरी तरह पानी से लबालब भरा हुआ है। शास्त्री पुल से संगम क्षेत्र का नज़ारा बाढ़ के बीच कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दारागंज के निकट काफ़ी सारी यहाँ पर नावें गंगा घाट पे खड़ी हुई हैं, और यहाँ से शंकर विमान मंडपम मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और आगे जो किले वाला भाग है और वहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर, तो वो पूरी तरह से डूब चुका है, और जो गेट है मंदिर का, तो ऊपर का तिरंगा है, झंडा है, वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो पेड़ हुआ करते थे काफ़ी सारे, तो निचला हिस्सा उनका सब डूब चुका है, ऊपर का जो भाग है वो दिखाई दे रहा है।